हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक अ पिंच ऑफ स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ अपनी डोडा बर्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप किसी भी फेस्टिवल या ओकेजन पर बना सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। तो डोडा बर्फी के लिए हमें चाहिए मिल्क, जो कि मैंने लिया है 1 लीटर, और ये फुल क्रीम मिल्क है। देशी घी, कोको पाउडर, दही। दही हमें फ्रेश कर्ड चाहिए, जो कि बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। शुगर, थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ बादाम, पिस्ता और काजू लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और दलिया, ब्रोकन व्हीट और थोड़ा सा रेड फूड कलर। डोडा बर्फी बनाने के लिए हम एक हैवी पैन लेंगे। तो पहले गैस ऑन करते हैं। इसमें मैं 1 टेबल स्पून पानी डाल दूंगी। ये पानी हम इसलिए डालते हैं जिससे कि दूध हमारा जलता नहीं है नीचे तले में। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 लीटर मिल्क। इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर को मिक्स करेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो चलिए वेट करते हैं मिल्क में एक बॉयल आने का। मैं एक बॉयल आने के बाद अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें दलिया, ब्रोकन व्हीट। अब हम इसमें एक और अच्छा सा बॉयल आने का वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब तक हमारे दूध में बॉयल आता है, तब तक हम कर्ड रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं इस दही में 1 चम्मच देशी घी मिलाऊंगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो दही मैं तैयार कर रही हूँ, इसको हम जब दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब उसमें मिक्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूध में बॉयल आया है या नहीं। दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने लगा है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कर्ड और घी का जो हमने मिक्सचर रेडी किया था। देखिए, आप ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि दही के डालने से हमारी मिठाई में जो है वो दही का टेस्ट आ जाएगा। सिर्फ इसको हमने इसलिए डाला है जिससे कि ये मिठाई जो है वो दानेदार बनेगी। जैसा आपको पता ही है कि हमारी डोडा बर्फी जो है वो दानेदार और सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए, दही के डालने के बाद जो दूध है वो हल्का हल्का सा फटने लगा है। ये देखिए, इसमें हल्का सा छेना आ जाता है जिससे कि ये दानेदार हो जाती है। तो बस अब हमें इसे चलाते हुए उतनी देर पकाना है कि दूध हमारा जो है वो क्वांटिटी में हाफ रह जाएगा। ये देखिए, इसको 10 मिनट तक गैस पे रखने के बाद ये इतना रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें चॉकलेट का मिक्सचर कैसे प्रिपेयर करना है। इसके लिए हम चॉकलेट पाउडर में 2 टीस्पून पानी डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चॉकलेट पाउडर अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 ड्रॉप रेड कलर की। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर नहीं है तो आप 1 चुटकी पाउडर फूड कलर भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप एक साथ सारा ये पेस्ट मत ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड करिए जितना कि हमको कलर चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि चॉकलेट पाउडर किस क्वालिटी का है। तो सारा एक बार में ऐड मत करिएगा। ये देखिए, अभी मैंने सिर्फ इसमें 1.5 टीस्पून ही डाला है। इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, इसमें डोडा बर्फी का कलर आने लगा है। ये देखिए, जैसा हमें डोडा बर्फी का कलर चाहिए एग्जैक्ट वही कलर आ गया है। इसमें आप चॉकलेट का जो हमने मिक्सचर डाला है वो उसी आइडिया से डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके जितना कि हमें कलर चाहिए। सारा मिक्सचर हमें नहीं डालना है।
ये देखिए जब ये इतना रिड्यूस हो जाएगा तब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच घी और ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी इसे हमें और रिड्यूस करना है, इसमें अभी करीब 15 से 20 मिनट का टाइम और लगेगा, लेकिन भूलिएगा नहीं इसको आप मीडियम फ्लेम पे और लगातार चलाते रहिएगा। ये देखिए ये गाढ़ा होते होते इतना थिक हो चुका है और पैन को छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें जो बाकी बचा हुआ देशी घी है वो भी ऐड कर दूंगी। तो टोटल अगर आप देखें तो मैंने इसमें 6 से 7 चम्मच देशी घी ऐड। रेडी हो चुकी है। इस डोडा बर्फी को लखनऊ में दूधिया बर्फी भी बोलते हैं। तो ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है यकीन मानिए खाने में भी ये उतनी ही अच्छी होती है। तो अब मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है, आप भी किसी भी फेस्टिवल पर मेरी ये रेसिपी ट्राई करके और यम्मी स्वीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को बनाइए, शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। आई विल अपलोड माय न्यू एंड यमी रेसिपी सून। टिल देन।